हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि आज का आपका वीडियो पार्ट 4 है। हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, ये है आज आपका 4th पार्ट। और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो हम 5 पार्ट भी अपलोड कर देंगे, लेकिन हमने इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट टाइप्स है, ठीक है, वो डिस्कस वो जो है कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, जिसका आपको जो है इकाई अंक जो है मतलब फाइंड करना है। इन सब का आपको गुणा करना होगा, देन आपको पता चलेगा कि आपका इकाई अंक क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मतलब ये गलती करते हैं कि क्या करते हैं, सबका मल्टीपल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको जो है एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको सिंपली क्या ट्रिक है हम ये जानेंगे कि आप सिंपली कैसे कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आपको इसको इंटू करना है तो 6 × 3, यानी कि पहले आपको 6 × 3 करेंगे तो आपको 6 का जो टेबल है वो 3 बार पढ़ना होगा। तो 6 का 6, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, ठीक है, तो आपका आ गया 18। उसके बाद से अब आपको क्या करना होगा, अब फिर से आपको जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, अब आपको 18 में मल्टीप्लाई नहीं करना होगा फ्रेंड। अब जो आपको एक इकाई अंक मिला है 8, उसमें आपको 8 से 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। 8 6 के कितना होता है आपका, तो 48, ठीक है, 48। तो अब इसके बाद से आपको यहाँ से मल्टीपल करना होगा 8 में 2 का, ये बस जो आपका इकाई है कि इसमें, तो 8 का 8 और 8 × 2 आपका कितना होगा, तो 16। फिर से आपका इकाई अंक कितना आया, 6। तो 6 का अब आपको किस में इंटू करना होगा, तो 3 में, तो 6 का 6 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, तो कितना आपका आया, 18। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया है कि 18 आपका आ गया है, और 18 में आपका इकाई अंक कौन सा है, तो 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स 8 होगा। आप इसे इजीली ऐसे पता कर सकते हैं कि जो आपका इकाई अंक होगा वो होगा 8, और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। आपकी 2 संख्या है, अब मान लो एक्स वाई, ठीक है, और देख सकते हैं संख्या इकाई स्थान का अंक, जो आपका ये इकाई है, इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, ये आपका 2 अधिक है, ठीक है। यदि दोनों अंकों का योग करें तो संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, अब ये बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का योग करें तो आपका संख्या क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं 57 75 84 35। तो अब आपको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। जब आपके सामने ऑप्शन है तो फिर ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमने की क्या ज़रूरत है, सीधे टॉपिक पे आते हैं और कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो अंक है ये क्या बोल रहा है, यदि दोनों अंकों का योग करें तो 12 आता है। तो 12 आता है, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पहले हम इसे अप्लाई करेंगे। तो 7 + 5 आपका कितना आता है, आप खुद सोचो फ्रेंड्स। तो 7 + 5 आपका आता है, तो आपका कितना आता है, 12। 7 + 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स 12 आता है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो आपका जो है 12 आया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स देखो, यहाँ बात यहाँ ये आ जाती है, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये भी 7 + 5 करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। और जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है, इसे भी हम करेंगे तो ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा, और ये इसे तो ये ऑप्शन पहले ही कट होगा क्योंकि इसे हम ऐड करेंगे तो 12 नहीं आता है।
तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे, ये तो तीनों ऑप्शन में बाहर आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है? अब आप जैसे ही ऊपर का जो क्वेश्चन था, दो अंक वाली एक ऐसी संख्या में इकाई स्थान का अंक, जो आपका इकाई स्थान का अंक है, ठीक है, दहाई स्थान, ये दहाई स्थान से दो अधिक है, मतलब ये दो अधिक है इससे जो है, ये मतलब जो दहाई है, जो इकाई का अंक है आपका, वो दहाई से दो अधिक है। तो अब सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, आपका दो अधिक है तो ये इस ऑप्शन में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपका जो इकाई है कि इससे कम है, तो ये भी कट होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये 8 4 है, तो ये तो इसमें बोला है कि जो आपका मतलब इकाई अंक है ये दहाई अंक से ज़्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन कट होगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स के जगह पर आ जाएगा आपका 5 और वाई की जगह पर आपका आ जाएगा 7, और देख सकते हो इससे जो आपका दहाई अंक है, अगर हम इसमें 2 लाएंगे तो आपका हो जाएगा 7, जिससे ये 2 अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि अब आप सिंपली अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है फ्रेंड्स, और क्या है आप खुद देखो 1 मिनट। तो फ्रेंड्स अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, मतलब कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको ऐड करने पर, प्लस करने पर 90 आता है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो वो संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा, ठीक है, और आपको वही ऑप्शन पकड़ना होगा जो कि एक संख्या छोटी हो और एक संख्या बड़ी हो, तभी 40 का अंतर आ पाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो अगर हम दो संख्याओं का योगफल 90 है तो हम क्या करेंगे, 33 प्लस 57 को पहले ऐड करेंगे कि क्या 90 आता है ऐड करने पर। तो फ्रेंड्स 5 3 आपका कितना आएगा, तो ऐड करेंगे तो आपका आएगा यहाँ 0, ठीक है, और 5 3 कितना होता है, 5 6 7 8 1 9, तो इसे हम ऐड करेंगे तो आपका 90 तो आ गया है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें मतलब ये बोला है क्वेश्चन कि इसमें 40 का अंतर है। तो फ्रेंड्स अगर हम 33 प्लस 57 को, 1 मिनट, 33 माइनस 57 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ जो है 40 नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर 7 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 7 में से मान लो अगर आपका 3 गया तो यहाँ आपका आएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2, तो कितना आया 24, लेकिन हमें तो यहाँ आपका मतलब 40 का आंसर चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमने अप्लाई किया ये गलत किया, लेकिन सिंपली आपको क्या पकड़ना है, एक बड़ा अक्षर और एक छोटा अक्षर, तभी जो है आपका अंतर निकल पाएगा। तो देख सकते हैं 25 और 65, 25 और प्लस 65 को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका कितना आएगा, 5 5 10, 10 का 0, और 6 7 8 प्लस आपका 1 9, ठीक है, तो 90 आ गया। अब आपको सिंपली करना क्या होगा, 25 माइनस 65 आप करके देख लीजिए कि क्या 40 आ रहा है, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 0, और वही 6 में से 2 जाएगा तो आपको कितना आएगा 4। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे हमने फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है अप्लाई किया तो अंतर 40 का आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप अब ये नीचे क्वेश्चन देखो कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, यानी कि 29 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताइए। तो ऐसी कोई दो संख्या है जिसे हमने प्लस किया तो 79 आया है, ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम उसे माइनस कर रहे हैं तो उसके बीच का जो अंतर है वो 23 आ रहा है, तो वो क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। हमने जिस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यही सेम प्रोसेस इस पर भी लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट्स करें कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और कौन से दो जो है अंक है जिसे ऐड करने पर 79 प्लस अंतर करने पर आपका जो है 23 आता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं,
इसलिए मैंने इसे कॉपी पेन में अच्छे से मतलब जो है इसे लिख के लाई, ताकि आपके लिए अच्छे से जो है इसे डिस्कस किया जा सके। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम टॉपिक से आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 9 9 9, आप 1/7 मतलब 99 सही, 1/7 प्लस, मतलब आपको ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसे प्लस करके इसका आंसर बताना है। तो अब आप कैसे करोगे? अब आप इसे एक एक तो प्लस नहीं करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जो बट्टे में नहीं है, जैसे ये आपके जो 999 है, ये कितने हैं, 5, तो आपको इन पांचों को ऐड करना होगा, ठीक है। पांचों को आपको जो है ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो मतलब अब जब एक ही नंबर सेम नंबर है, तो हम एक ही क्यों ऐड करें, तो आपको सिंपली यहाँ 5 इंटू कर देना होगा। जैसे ही आप 5 इंटू करेंगे तो आपको कितना आएगा, कितना आपका आता है, तो आपका यहाँ आएगा 45, और हासिल में कितना आया, 4, फिर 9 5 45, 45 4 आपका कितना आएगा, तो 49, 49 का आपका कितना होगा, तो 9, ठीक है। फिर आपका 5 9 5 9 45, और 45 में फिर आपका 4 ऐड होगा, तो कितना आएगा, 49। तो आपका कितना यहाँ करेक्ट आंसर होता है, तो 4 9 9 5। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो बट्टे में नहीं है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 4 9 9 5 आता है। अब सिंपली हमें जो बट्टे में है उसे ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करेंगे फ्रेंड्स, एक बात तो आपको पता चल गई है कि 4 9 9 5 ये हमने ऐड किया, ये तो ये आया, ठीक है। अब आपको जो ये बट्टे में है इसे ऐड करना होगा, 1 7 plus 3 7 plus 4 7 plus 5 7 plus 1 7 plus। अब हमें इसे ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल तरीका, जब आपको बट्टे के नीचे एक ही अंक दिखे, वो चाहे कोई अंक हो लेकिन एक ही अंक हो, तो इसका एलसीएम भी आपका 7 ही हो जाएगा। इसे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद से हम ऊपर का जो है आप देख सकते हैं, 1 3 4 5 1, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे आपका कितना आएगा, 4 8, और 8 5 आपका कितना आएगा, 13, 13 प्लस 14, तो यहाँ आपको 14 लिखना होगा, यानी कि 7 जो है 14/7 आ गया। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, 14 में 7 का भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप देख सकते हो, 7 का 7 7 दूना 14, तो ये आपका जो है 2 बार में कट जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो अब देखो ये जब मतलब 2 से आपका कट गया है, तो हमें पहले जो हमने ये जोड़ा था तो आपका कितना आया था, तो आपका आया था 4 9 9 5, ठीक है। और जब हमने ये जो बट्टे में था उसको जोड़ा तो क्या आया, तो 2 आया। तो हमें सिंपली ऐसे प्लस करना है, और इसी में इसे भी ऐड कर देना होगा, ठीक है। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे 5 6 7, ठीक है, 7, और यहाँ आपका आएगा 9 9 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 9 9 7। तो फ्रेंड्स, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4997 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इसमें फंसते हुए हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप देख सकते हो कोष्टक में जो दिया है, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/3, ऐसे ही आपका लगातार दिया गया, ये आपका चलता गया है 1 - 1/100 तक, ठीक है। यहाँ थोड़ा कट रहा है लेकिन यहाँ आपका 100 है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब एक एक तो सॉल्व करेंगे नहीं, इसका जो एक ट्रिक अपना लो, अगर मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन करंतर जो है पूछा जाए, तो इसका जो आंसर होगा वो 1/n होगा, मतलब जो आपके लास्ट में नंबर होगा वही सेम होगा। लेकिन उससे पहले इसे हम अप्लाई कैसे करें ये जानो। जैसे कि मान लो आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी ट्रिक, जैसे
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मतलब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आसान तरीका क्या है। सबसे पहले मान लो अगर आपके पास कोई भी अंक हो, लाइक कोई भी, जैसे 4 + 1 = 3। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, पहले इसमें आपको इन दोनों में जो है इन दोनों में इंटू करना होगा। जैसे 4 + 3 आपका कितना आएगा, तो 12, 12 + 1 = 14, तो 14/3। तो ऐसे आपका मतलब लिख दिया जाएगा। अगर यही माइनस होता है तो आपको यहाँ से मान लो यहाँ माइनस है, तो 4 × 12 और 12 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आएगा, तो 11 × 3। तो सिंपली आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो देख सकते हो 2 × 1 कितना होगा, 2, और 2 में से अगर माइनस आपका 1 गया तो कितना आएगा, तो यहाँ आपका आएगा 1/2। यहाँ ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब आपका इंटू होता है, तो यहाँ हम ये लगाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका देख सकते हो 3 × 3 और ये आपका माइनस है, 3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 2, और ये आपका जो नीचे है ये 3, ऐसे उतार देंगे। नेक्स्ट आपका है ये ब्रैकेट तो इंटू, फिर आप 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा ये तो 3, 3/4। फिर आपका आएगा नेक्स्ट कि यहाँ आपका है 5, तो 5 × 5 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5, 5 में से हमारा 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, और फिर हम सेम यहाँ 5 उतार देंगे। अब ऐसे ही करते जाएंगे तो सिंपली इसी कतार में आएगा, अब आएगा आपका 5/6, फिर आपका जो आएगा 6/7, फिर आपका आएगा 7/8, मतलब ऐसे ही आता रहेगा। तो ये पूरा जो है क्रम आपका 100 तक इसमें पूछा गया, तो 100 तक चलता रहेगा। अब देखो करना क्या है, अब हमें इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए सिंपली आप क्या कर, आप पहले ही देख सकते हैं ये आपका 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटेगा, 7 से, मतलब सारा अंक आपका कट जाएगा, ये बचा है आपका 1। और ऐसे ही अगर आप काटते जाओगे तो लास्ट में ये जो आपका 100 है जो कि कट गया है ये आपका यहाँ बचेगा। तो अब आपको सिंपली पता, ये ट्रिक का पता आपको चल गया होगा कि पहले आपका 1 और जो आपसे नंबर मतलब जो लास्ट में है वही आपका नंबर यहाँ आंसर हो जाता है। तो 1/100 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से 1/100, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, कि आपके 4 पर जो है घात 21 है, 4 पर घात 21 को 5 से अगर हम विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। अब देखो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई अंक दे दिया जाता है उस पर घात दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसी भी अंक से विभाजित करें तो उसका शेषफल कितना होगा, और परेशान हो जाते हो कि घात को हम कैसे विभाजित करें। तो सिंपली आप पहले एक ट्रिक समझो, अगर संख्या सम हो, ये तो अभी विषम है, अगर संख्या सम हो तो आपको जो नीचे घात के नीचे है उससे जो है मतलब डिवाइड करना होगा। जैसे मतलब देख सकते हैं ये सम है आपका, तो देखिए अगर सम संख्या हो तो 4, 2 और 4 से ही ओनली होगा, और वहीं विषम संख्या होती है तो 1 और 3 से। तो इसे हम अप्लाई कर, बस इसे आप याद करो और देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आप, यहाँ आपका है विषम संख्या, विषम संख्या है तो या फिर यहाँ 1 घात लिया जाएगा इसे छोटा बनाने के लिए, या फिर हम इसे 3 लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम 1 घात लेते हैं तो 4 × 4, और मतलब कहने का यही है, देखो अगर हम 1 घात लेते हैं तो आपका कितना आएगा 4 × 4, तो फ्रेंड्स ये आपका 5 से कम हो जाएगा, तो हम ये घात नहीं ले सकते। यहाँ आपका 3 से अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आएगा, यहाँ अब आपको 4/3 का घात करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप 4 पर जो आप 21 को अब आप छोड़ दो, बस आप ये दोनों याद रखो, ठीक है, अगर सम संख्या हो तो 2 या फिर 4, अगर विषम हो तो 1 या फिर 3, ठीक है। अब देखो 4 है आपका, अब 4 यहाँ हम 3 को अप्लाई करेंगे, यहाँ से हमने ये लिया तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो फ्रेंड्स 4 का 4, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 आपको कितना आएगा 64, तो ये आपका आ गया है 64। अब ये 5 से विभाजित
करने की बात इसमें बोल जाए तो सिंपली अब आपको इसमें 5 से भाग देना होगा। जैसे ही आप 5 से भाग दोगे तो फ्रेंड्स अब सिंपली देख सकते हो, जैसे ही आप 5 से अगर 64 में 5 से भाग देते हो तो आपका शेषफल 4 आ जाता है। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका यही है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 मिनट, आप यहाँ देखो कि 9/6 - 12 को 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ माइनस आ गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मेथड इसमें लगा है सेम मेथड आपको इसमें भी लगाना है। पहले क्या करेंगे, अगर ये सम संख्या होगी तो 2 या फिर 4 लेंगे, लेकिन अगर यही विषम ये घात होता है तो आपका 1 या फिर 3 लेंगे। तो यहाँ तो हमें सम दिख रहा है, तो सम दिख रहा है तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। जैसे देखो आप यहाँ, अब आप 9 से ये 9 और यहाँ हम जो 2 है ये तो कम नहीं है, ठीक है, ये तो अधिक ही जाएगा। तो सिंपली हम 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है, तो 99 81, ठीक है। अब 81 जब आपको पता चल गया है तो अब आपको सिंपली कुछ कर, अब 12 जो है ये माइनस का बोला है ना, तो 81 में आपको जो है 12 का माइनस करना है। यहाँ से आप 12 माइनस करो, तो 12 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 9, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 6, तो यहाँ आ गया 69। अब सिंपली आपको 69 में जो है 7 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 7 से भाग देना होगा, और जैसे ही आप भाग दोगे तो आपका शेषफल आ जाएगा। तो 69 में 7 का भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो 9 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम इसी वक्त। बस आप क्लास से, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी गया तो आप 9 बजे इस क्लास से जुड़ सकते हैं, आपकी जो क्लास है वो लाइव चलाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और जो भी आपके भाई फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।